ज़्यादा जुड़ाव हो गया है, चाहे वो डिजिटल वॉच हो, डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे डिजिटल वर्ड जुड़ गया है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। तो जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है, तो बस इसी के बारे में हम आज अपने मौजूद यहाँ दो मेहमानों से कुछ बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और लोगों के बीच में इस चीज़ की कितनी उत्सुकता है। तो बस हमारे जो पहले मेहमान हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनका नाम है आशुतोष कुमार, ये एक टीचर है, और इधर बैठे हैं अवधेश कुमार गुप्ता, ये भी एक टीचर है। तो इन दोनों के विषय में हम आपसे कुछ बातें करेंगे और उसके बाद आप लोग ये जानेंगे कि हम लोगों ने क्या बातचीत की और अपने सवालों के जवाब, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन लोगों को उनके सवालों के जवाब चाहिए, तो बस हम इनसे बड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आशुतोष कुमार जी से कि डिजिटलाइजेशन क्या है और ये क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों के जीवन में इस चीज़ का, ये बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज और पहले के सदी में बहुत ही अंतर है। आज हम सब जो है, आज हम लोग यंग पीढ़ी में हैं, है ना, आधुनिक युग में हैं, और डिजिटलाइजेशन इस सिंपल बात है, यानी किसी चीज को, है ना, हार्ड कॉपी के सॉफ्ट कॉपी में रखना, एक ऐसा साधन जो किसी चीज को हम आसानी से कहीं भेज सकते हैं, दैट मीन्स डिजिटलाइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि आज के युग में जितना आसानी से किसी चीज को हम रख सकते हैं, भेज सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं, उसको हम डिजिटलाइजेशन करते हैं। ओके मैम जी, तो आपका कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उस चीजों को हम हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आप बताएं कि ऐसी और भी कौन सी चीज है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, जैसे डिजिटलाइजेशन के कुछ फायदे हैं तो जहाँ फायदे होते हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं, तो आप इनकी खामियां बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसा कि हमारे सर ने भी बताया कि डिजिटलाइजेशन से बहुत सारा फायदा भी दिखाया भी, इन्होंने बताया भी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रखा जाता है, ये मैं भी मानता हूँ थोड़ा देर के लिए, लेकिन इसके नुकसान भी ये आ रहा है अभी आपके सामने कि जो पहले वर्कर लोग हुआ करते थे, आज वो वर्कर हमारे नहीं हैं, उनके जगह पर डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि जहाँ पे आदमी काम कर रहा था वहाँ पे मशीन काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आप इंसानों के पेट पे लात मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान का सबक बनते जा रहा है। और दूसरी बात ये, टाइम को आप मैनेज तो कर रहे हैं, ये अच्छी सी बात है सर, टाइम को आप मैनेज तो कर रहे हैं कि कम समय में आप ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, बट उसी टाइम को मैनेज करने के चक्कर में आप अपने हेल्थ को भी खो रहे हैं, तो मैं टोटली इसके खिलाफ हूँ जी। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि टाइम तो बहुत इसमें कम लग रहा है, लेकिन आप अपने हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, जो कि ये हम लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आजकल इंटरनेट का तो बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव हो चुका है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ बन चुकी है, यानी कि अगर हम बिना गैजेट्स के सोचें, हम अपनी लाइफ को इमेजिन करें, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है। तो आप बताइए कि सोशल मीडिया के जो इतने सारे व्यूअर्स हैं, जो इतने सारे फैंस हैं, जो सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, ये क्या फ़ायदे हैं उनके? जी बहुत सारे फ़ायदे हैं, फायदा यह है मैम कि आज का जो लाइफ है कि नहीं, अगर हम पुरानी चीज़ों को जैसे अगर हम देख करके अगर तुलना करेंगे तो आज हम नहीं जी सकते हैं, आज हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक समय था कि लोग पैदल यात्रा करते थे, है कि नहीं, जब हमारे राजा महाराजा को जो इन्फॉर्मेशन देना होता था तो कई दिनों लग जाते थे, घोड़ा सा निकलते थे, कई दिनों कई माहों के बाद, है ना, इन्फॉर्मेशन मिलता था, लेकिन जस्ट इमेजिन आज के दिन में विदाउट ए मिनट हम किसी इंफॉर्मेशन के ऑल ओवर कंट्री पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं, दैट मीन्स अमेजिंग, यानी इससे सुविधाजनक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ओके, तो ये आप सोचते हैं कि इससे सुविधाजनक कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल, तो आजकल इंटरनेट एडिक्शन जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये हो रही है, ये अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि जब तक हम सब लोग स्किल नहीं होंगे, जब तक हम कोई भी चीज को, है कि नहीं, आईटी को हम अपने अंदर स्किल नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे समाज पीछे रह जाएंगे। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूएस जो है वर्ल्ड का हमारे सबसे वर्ल्ड में नंबर वन पोजिशन पे आते हैं कंट्री, आज क्या है, दैट मीन्स आईटी, वहाँ आईटी डेवलप है। अगर हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज
इसको एडेप्ट करते हैं तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए, न कि नकारात्मक दृष्टि देखना चाहिए। जी तो ये आपकी सोच है, आप बताइए कि इंटरनेट का एडिक्शन है ये जो लोगों के बीच में बढ़ रहा है, ये लोगों पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसके बीच? जहाँ तक मेरा मानना है मैम कि जिस चीज से गुण होता है उससे कर्ज भी होता है, इसमें कोई डॉट नहीं है। जैसा कि भी हमारे सर ने बताया कि पहले के लोग चला करते थे, अब के लोग जो चल रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंट आ रहा है कि पहले लोगों को चलने में सोचना पड़ता था किसी जगह पे अगर जाना है तो कैसे जाए, आज लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। तो मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ, खिलाफ इसलिए भी हूँ कि पहले के लोगों के पास में क्या होता था ना, जब तक वो बुजुर्ग नहीं होते थे ना आंखों पे चश्मा नहीं होता था, और आज के बच्चे जो भी इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं ना, जो कम एज के बच्चे होते हैं उनके आंखों पे आज चश्मा चढ़ गया, रीजन क्या हो सकता है? दूसरी बात ये, पहले के लोग ज्यादा दिन तक समय को व्यतीत करते थे, लगभग 100 साल 110 साल 120 साल तक बीते थे, आज क्या हो रहा है ना 60 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं और पत्ता साफ हो जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम बात हर चीज सही है, लेकिन फिर वही आते हैं, हर एक चीज का समय होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आज बैलगाड़ी से अगर बराती है कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है कि नहीं? आज हम क्यों फोर व्हीलर से जाते हैं, क्यों अदर अदर होटल बुक करते हैं? क्योंकि अब समय वो नहीं है जो चीज आज हम रखते हैं। आज क्यों है? आज हमारे चीज आप देखते हैं हर एक चीज जो सुविधा है ना, अगर हम बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2015 के बाद पूरी तरह से क्रांति ला दी है इंडिया में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक समय था कि अगर कोई पैसा बैंक में अगर भेजना है, लगाना है, तो बहुत सारे प्रक्रिया रजिस्टर लिखा पढ़ी के बात होता था, है कि नहीं? आज डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट ये तो वो कड़ी है कि आप विदाउट ए मिनट किसी को भी आप अकाउंट पर ट्रांसफर पैसा भेज सकते हैं, कहीं भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट ए मिनट, आप अपना है ना कहीं भी कोई चीज आप पैसा भेज सकते हैं पूरी वर्ल्ड में, तो दैट मीन्स अमेजिंग, ये होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन। तो आप इसके समर्थन है? तो आजकल जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बैंक बहुत ज्यादा इससे जुड़ा हो चुका है, तो आजकल तो साइबर क्राइम भी बहुत चल रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम इसके कैसे कम किया जाए? साइबर क्राइम जो है मैम, दैट मीन्स एक हमारा असावधानी है कि नहीं? जो है आप भी है ना, बहुत सारे जगह आप लिखकर देखे हुए कि असावधानी घटी दुर्घटना घटी, दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं उसमें हमें सावधानी होने का जरूरत है, ये नहीं कि वो चीज से ही हट जाए। अगर कोई आदमी सपोज एट मानिए कि फोर व्हीलर चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, और अगर रोड पर जाते किसी को एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या वो अगला दिन से गाड़ी चलाना बंद कर दे? नो, दैट मीन्स ये रोड की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे साइबर क्राइम के बारे में? जहाँ तक मेरा मानना है, आज के डेट में तो हम लोग अक्सर यही देखते जा रहे हैं कि जितना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है ना, उतना ज्यादा भी बढ़ते जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में हो। अभी जैसा कि सर ने बताया अभी यहाँ पे कि बैंक जो है वो डिजिटलाइजेशन हो गया, उसमें बहुत सारा काम बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में हो जा रहा है, लेकिन शायद हमारे सर को ये चीज भी तो इग्नोर नहीं करनी चाहिए ना कि जिस बैंक में पहले से 10 कर्मचारी हुआ करते थे, 20 हुआ करते थे, 50 हुआ करते थे, सारे लोग मिल के एक साथ एक टेबल पे काम किया करते थे, आज उन लोगों का जो है घटते जा रहा है जनसंख्या, जहाँ 10 लोगों का काम था वहाँ पे एक आदमी कर रहा है, 9 लोग तो मरते जा रहे हैं ना, 9 लोगों के पेट पे तो लात लग रही है ना, तो वो 9 लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उन लोगों का परिवार नहीं है सर? क्या उन लोगों के बच्चे नहीं पढ़ लिख पाएंगे? क्या उन लोगों का पेट नहीं चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल मैम सही है, लेकिन फिर आज वही कहेंगे कि अगर हम वही चीज को केवल अपनाते रहेंगे, इसको जो क्षणिक लाभ है कि नहीं? कहा जाता है कि कोई अगर हमें पूरे बड़े रोड के एनएच के निर्माण करना हो तो छोटे छोटे चीज पे क्या किया जाता है, भरा जाता है ना, कि और बोला जाता है भरा जाता है। तो सिंपल बताइए, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश को विकास करें, एक है ना, एक हर आदमी स्किल पूर्वक हो गए, एक हर एजुकेशन केवल हम स्कूल में ही नहीं जाकर के ऑनलाइन हम दे सकते हैं, आज आप बहुत सारे देख सकते हैं, आज हमारे सिटी में जितने जो जब परीक्षा होती है, आज बहुत सारे जो है सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड है, हर आदमी क्यों ऑनलाइन ले रहा है? क्योंकि आसान है, लोगों को यही चीज देने के लिए कब दिल्ली जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था, लेकिन डिजिटलाइजेशन ही एक ऐसा चीज है कि जो आज हम अपने घर से विगत 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर एग्जाम देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कम कॉस्ट में वो चीज को हम काम करते हैं, कम यात्रा करके करते हैं, और वह हर समाज के लिए हर व्यक्ति वही चाहता है, चूंकि भाई तो चाहिए।
तो ये तो आप लोगों की बातचीत हो गई। मैं टोटली इस बात से खिलाफ हूँ। मैं टोटली इस बात से खिलाफ इसलिए हूँ, जैसा कि अभी सर ने बताया कि डिजिटलाइजेशन हो जाने की वजह से लोग घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ थोड़ा देर के लिए, सिर्फ कुछ ही पलों के लिए इस चीज को मैं मान सकता हूँ। आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं ना सर, उसी एग्जाम के होड़ में बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ना, वल्गैरिटी को फेस कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है, आप ऐसे पेरेंट्स हैं बच्चे को, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा बेटा तो एग्जाम का तैयारी कर रहा है, आपका बेटा कर क्या रहा है, मोबाइल पे खोल के देख क्या रहा है वो, तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर को बर्बाद ही लिया सर। जो मोबाइल हम लोग अब के डेट में इस्तेमाल करते हैं ना, वही मोबाइल बच्चे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम लोग बस ये जानते हैं कि मेरा बेटा तो ऑनलाइन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, बट वो प्रिपरेशन कर कहां रहा है। लोगों के बीच, खासकर बच्चों के बीच इस चीज की बहुत ज्यादा एक एडिक्शन हो गया है कि बच्चे जितना अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते उतना अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल के ये देखते हैं कि मेरे कितने व्यूज बढ़ गए, कितने फॉलोवर्स हो गए। तो इस चीज का बहुत बुरा एडिक्शन फैल गया है बच्चों के बीच। तो बच्चों के लिए आप क्या कहना है? जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं अपने करियर पे, वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर बने, एक सोशल मीडिया अकाउंट में उनका बहुत अच्छा फॉलोइंग हो। तो ये आप बताइए कि फॉलोवर्स ये जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है ये क्या है? MM, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बहुत ही आज हर आदमी को करना चाहिए। आज हमारे जितने भी है ना सोशल मीडिया है, वो आज हमारे समाज का अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय खंभा है ना, सेकंड सोर्स है। यानी उसके बिना हम अच्छाइयों को, हर चीज को हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि उनकी भूमिका हमारे समाज में, परिवार में, खुद में, वर्ल्ड में, और यहाँ तक कि सरकार चलाने के लिए भी उसको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उसके बिना आज जो है वायुवंशी के अनुसार जैसे कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी गलती करना मनुष्य का धर्म है, ये नहीं कि वो गलती नहीं करे, लेकिन वो गलती को दोबारा नहीं करे। ये चीज पे हम सब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि गलती कम करे, गलती करे, गलती करना मैं मानता हूं कि उसका धर्म है, गलती करे, लेकिन गलती जो हो सही डायरेक्शन में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर तो वही वाली बात हो गई गलती करें लेकिन सही डायरेक्शन में गलती करें। आप सही डायरेक्शन में भी जाते गलती कर रहे तो आप कर क्या रहे हैं सर? बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वल्गैरिटी उसका बढ़ते चला जाए, वल्गैरिटी उसका बैक नहीं हो, बढ़ते चला जाए। वो कर रहे हैं सारा आसानी तरीके से करियर को डेवलप कर रहा है आपका बच्चा, उसी करियर के आड़ में आके वो क्या कर रहा है, ये तो आप उसको फोकस बोल रहे हैं। शायद आज जितने हमारे लाइट्स के आज प्रोग्राम बात करते हैं, आज लाइट जिस लाइट में हम लोग आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर आज अगर बल्ब नहीं बनता, जो बल्ब बनाने वाला बालक था वो सर कहीं ना कहीं 9999 बार फेल हुआ था, वो सही डायरेक्शन में फेल हुआ, तब संसार को जाके बल्ब मिला, पूरी दुनिया को क्या किया, रोशनी देने का काम किया, उजागर करने का बात किया। अगर जरा सोचिए कि अगर वो बालक अगर उस दिन गलती नहीं किया होता, वो आदमी गलती नहीं कर किया, दुनिया के सामने चीज का आविष्कार होता। अच्छी बात है, उसने फेल किया और फेल करने के बाद एक बल्ब का निर्माण किया, लेकिन क्या आज के बच्चे उतना टिक पाते हैं? 999 बार कोई बच्चा अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा सर। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले के बच्चे जितना ध्यान देते थे अपने आप, कारण क्या है सर कि पहले के बच्चे जो है, कारण क्या है कि ज्यादा मेहनती होते, और आज के बच्चे लेजी होते जा रहे हैं, कारण क्या है? ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। लेजीनेस भी बहुत ज्यादा बड़ी वजह आ चुकी है आजकल डिजिटलाइजेशन में, इसलिए क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो इंटरनेट खोलेंगे, हमारे सारे सवालों के जवाब गूगल में हैं और वो हमें दे देंगे। लेकिन यहाँ जो बच्चों के माइंड को क्रिएट करना है, जो वो सोचना भूल गए हैं, वो बस सोचते हैं कि इंटरनेट सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो बस उस बारे में आपका क्या कहना है कि बच्चों के लिए बहुत सही है या गलत है, ये बताया? मैं सही मानता हूँ, बच्चे जो है वो आने वाले भविष्य के लिए क्या है, रक्षक है। बच्चे जो है आने वाले भविष्य के लिए रक्षक नहीं, कार्यकर्ता भी है, और बच्चे ही हैं जो हमारे देश को आने वाले दिन में चलाने वाले हैं। क्यों? अगर वो आज स्किलफुल नहीं होंगे, आने वाले 20 साल 50 साल के अगर फ्यूचर लेके नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से जितना हम गुलामी से जितना हम पीछे धकेल चुके हैं,
आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड आज जो है इंडिया की तरफ उठा करके देखता है कि आज कहीं इंडिया हमें मदद करे। क्यों? दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है स्किलफुल आईटी में हो रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसा वर्ल्ड के अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसा कंपनियां है जो भारत सरकार के नंबर वन टैक्स पे करती है, वो कौन है? आईटी है। क्यों आईटी डेवलप की? टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आखिर क्यों डेवलप की? कहीं ना कहीं इन्होंने डिजिटलाइजेशन का ही उनको जो है ना चरम पे ले गया, और जिससे कि पूरे अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। तो ये तो अच्छी चीज है ना कि गलत सवाल का आप बताइए। स्किल स्किल की बात कर रहे हैं आप सर, आप स्किल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि स्किल डेवलप करने के चक्कर में ये माइंड डिजीज जो हो रहा है सर, जो मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, मानसिक जो समस्या आ रही है बच्चों के साथ में, उसका क्या होगा? आप एक बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, 99% बच्चे उसी डेवलप होने के कगार पे शिकार होते जा रहे हैं उसका, और उसका कुछ बेनिफिट उनको मिल नहीं पा रहा है। इसको आप स्किल बोलते हैं सर? ये स्किल है। 100 में एक बंदा अगर पास करता है, 99 और फेल कर जा रहा है, ये स्किल है। यस सर, आज रेशियो कम है, आने वाले दिन में रेशियो बढ़कर हो जाएंगे। क्योंकि एक समय था सर, एक समय था कि जो रेलगाड़ी था कोयला वाला चलता था, लेकिन आज समय है कि वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। तो फिर इतने ज्यादा लोगों की जो अभी मौत हो रही है, जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे, इसके पीछे किसका रीजन हो सकता है सर? इसके पीछे भी आपका स्किल काम होगा? सवाल का जवाब देंगे आप? बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आज सिंपल है, आप मान के चलिए कि कहीं हर चीज है, हर आदमी को कोई आदमी नहीं खुश रख सकता। अगर हमारा सफलता का रेशियो ज्यादा है तो काम को करना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि अगर वो काम दोबारा रिपीट होगा, बार बार होगा, सही डायरेक्शन में होगा, तो हर आदमी सफलता है कि नहीं लेगा, उसका रेशियो बनेगा। आपसे नहीं हो रहा, अदर सेक्टर में जाइए, आपके लिए खुले हैं। कौन कहता है कि आप एनी टाइम आप रेलवे ड्राइवर बन जाएंगे? आप जाइए, चपरासी बन सकते हैं। सर जी, सफलता तो तब रेशियो ज्यादा होगा ना जब मेहनत उसके ऊपर ज्यादा होगा, और जो मेहनत ही यहाँ पे घटते जा रहा है, जो काम आदमी एक दिन के अंदर में कम से कम 6 से 8 घंटे अपने शरीर के साथ वो मेहनत करता था, आज वही बंदा आधा घंटा भी टिक नहीं पाता है, बस काम किया और हो गया, बाकी उसका कहाँ गया? शारीरिक कसरत उसका हुआ नहीं। जब शारीरिक कसरत उसका हुआ नहीं तो वो डेवलप कहाँ से करेगा सर? आपने तो उसको मानसिक कमजोर बना दिया, शारीरिक मजबूती भी था, शारीरिक भी कमजोर हो गया, मानसिक भी कमजोर हो गया। सर जी, आप भूल रहे हैं, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर से नहीं है, अरुणिमा सिन्हा जिनका पैर कट गया था, फिर भी वो क्या थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे इंडिया के पहली लेडी है जो पता है। क्यों सर? शरीर से आदमी विकलांग नहीं होता, विकलांग होता है माइंड से। आज हमारे अगर बच्चे डेवलप कर रहे था, कहीं ना कहीं मानसिक मजबूती है, ये करना चाहिए, ये गलत नहीं है सर, ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। क्या सारे से सोच लिए? क्या सारे बच्चों में ये नहीं होना चाहिए? नहीं है, निकल रहा है सर। हम अपने बच्चों के किसको उदाहरण देते हैं? बच्चे को हम देते हैं कि तू फेल हो जा, फलनवा का बेटा फेल हो गया सर। बच्चे का हम उसको उदाहरण देते हैं कि उसको 95% आया, उसको जैसा बन। आप क्यों नहीं कहते अपना लेखन क्या बनिए फेल, जब 30 नंबर 25 नंबर लाया ओकरा जैसा बन, फिर ओकरा जैसा क्यों बनने के लिए कह देते हैं? सर जी, ये आपका पेरेंट्स के दिमाग में है ना को बदलना होगा, माइंड सेट को बदलना होगा, पॉजिटिविटी को जगाना होगा, तब हमारी समाज को उत्थान हो सकता है, अंतर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है सर? मतलब तो वही हुआ ना कि जो अमीर बाप के बच्चे रहेंगे वो डेवलप करेंगे, जो गरीब बाप के बच्चे रहेंगे वो डेवलप नहीं करेंगे। एक और सवाल है आप लोगों से कि आजकल ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत सारे एक तो फायदे हैं, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन का जो गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ये गलत फायदा जो उठा रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, उसके प्रति बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कहीं भी जो फाइल भेजी जाती है, अब पहले वाला नहीं रह गया कि सिंपल भेज दिया गया, आज बहुत सारे फाइल है ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है, चाहे आप कॉमन घर के बात करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे चीज है कि जब तक आप उस फाइल को खोलने में अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करेगा, अपना मोबाइल नंबर जब तक मैच नहीं करेगा, वो फाइल मेंशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, पहले से बहुत सारे चीज को सुधार हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ है, ये दिशा और बढ़ना चाहिए, इसमें और तेजी आना चाहिए, हर चीज सुरक्षित हो जाएगा, ये नहीं कि उसे डरना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो इन्फॉर्मेशन का जो गलत यूज हो रहा है हमारे लोगों के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी देखिए मैम, अगर सही तरीके से वर्क हो तो सही जगह पे
सही इंसान के पास में वो डायरेक्शन जाता है, सही इंसान के पास में वो इंफॉर्मेशन जाता है, लेकिन हैकर लोग जो आज की डेट में बैठे हुए हैं, हैकर लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ये साइबर क्राइम ही तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। हैकर लोग बैठे बैठे ही आपके अकाउंट से पैसे उड़ा दे रहे हैं, आपको खुद पता नहीं चल रहा है, आपने बैंक में गए भी नहीं, आपने एटीएम का यूज भी नहीं किया, आपने पासबुक का यूज भी नहीं किया, और हैकर लोग आपके पैसे उड़ा दे रहे हैं, आप ही का पैसा आप ही के सामने से गायब हो जा रहा है। ये स्किल है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर है, कहीं ना कहीं सर सिंपल है, आप जानते हैं कि घर फूटा है ना, घर फूटा तब बाहर लूटा सर, कहीं ना कहीं आपसे है ना लिया जाएगा, आपका लिंक लिया जाएगा, आपका ओटीपी लिया जाएगा, तो सर पहले आपने गलती की ना, आपको जानना है, आप जानते हैं है कि ना कि हम रेल के पटरी पर जाएंगे है ना, क्रॉसिंग नहीं है ना, जब ट्रेन पार कर जाएगा तब पार करना चाहिए, लेकिन आप पार कर रहे हैं, यानी आप अपना जान खतरे में डाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सरकार की थोड़ी, ये आपका प्रॉब्लम है ना, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आप जिम्मेवारी लीजिए ना, ये नहीं कि अदर आदमी, फिर तो ही बात हो गया सर कि हम रोड पे चले एक्सीडेंट कर लेता, रोड खराब है उसको हटा दे सर, अपना स्किल सीखना है, गाड़ी बदलनी, बिल्कुल ये तो बात है कि जिनके साथ हो रहा है वो तो इस चीज के खिलाफ होंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी तो इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा रहे हैं ना, उनके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि वो ऐसा जो ये सब इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, ये क्या सही है आपके हिसाब से बताइए। बहुत सारे ऐसे चीज है मैम जो ऑलरेडी चल रहे हैं है ना, सरकार उस पर केयर कर रही है ना, जीरो टॉलरेंस चल रहा है साइबर क्राइम से भी, साइबर क्राइम को भी बहुत सारे जगहों को उसको पकड़ा जा रहा है, ऐसे और अपग्रेड वर्जन लाए जा रहे हैं जो है ना वो चीज अटैक ही नहीं होंगे, उस पर इफेक्टेड ही नहीं होंगे, तो जब सिंपल बात मान लीजिए कि जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो कोई रोग नहीं अटैक करेंगे, तो हमें क्या है उस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो आज तो ये हम जान चुके हैं कि इस चीज को सुधारने की जरूरत है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अभी जो डिजिटल मार्केटिंग का एक नया दौर चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फैल रहा है, इससे लोग सोचते हैं कि हमारा काम बहुत आसान होगा, लेकिन आसान तो होगा पर इसके अलग से नुकसान भी है, ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके हिसाब से क्या है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि है ना हर आदमी डिजिटल काम करे, और हो रहा है, अगर आपको आलू खरीदनी है तो डिजिटल मिल जाएगा, अगर आपको चप्पल लेनी है तो डिजिटल मिल जाएगा, अगर आपके घर में साड़ी बनाना है आपको आ जाएगा, अगर आपके घर में आप खाना बनाने में सक्षम नहीं है, आप अपना रूम पर लेट से पहुंच रहे, आपके घर में खाना आ जाएगा, तो ये अच्छी चीज है ना भाई मेरे, ये हमारे समय को बचा दे रहा है, ये हमको कॉस्ट को बचा दे रहा है कि नहीं, ये हमको है ना जो हम लेट नाइट आ रहे हैं, खाना बनाना पड़ेगा, खाना हमको बना मिल जा रहा है, और पैसा तो हर चीज देकर ही खरीदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि ना हमें रेस्ट करने की क्षमता मिलता है, तो दैट इज बेस्ट जी, आपकी वाली विचार तो हम समझ गए। आप आपने अभी जैसे बताया सर कि हर चीज हमारे घर तक पहुंच जा रहा है, खाना पहुंच जा रहा है, वस्त्र पहुंच जा रहा है, और भी जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है वो हमारे घर तक पहुंच जा रहा है। मानता हूं कि एक व्यक्ति आपके लिए ऑलरेडी बैठा हुआ पहुंचाने वाला है डिजिटलाइजेशन, ठीक है, बट इसके विपरीत अगर आप जाके देखे तो ये भी तो देखिए सर कि आप घर पे बैठे हुए और आपका सारा काम हो रहा है, क्या बैठे हुए आप अपने आप को चीज बैठे बैठे ही कर लिए, अगर सब कुछ ऐसा होता, अगर सब कुछ ऐसा होता तो फिर रीजन क्या है। बड़े बुजुर्ग का भी कहना है कि पहले के लोग भी यही बात बोला करते थे कि हम लोग 110 साल जीने का काम किए, 108 साल जिए, 120 साल जिए, 100 साल जिए, आज 60 भी लोग नहीं पार कर रहा, मतलब तो वही हो गया ना सर, 40 में चश्मा और 60 में दसवा, मतलब तो वही हो गया ना सर, तो हम लोग को 40 में भी चश्मा नहीं लग रहा सर, चश्मा लग जा रहा बच्चे में, आप सोच के देखिए कि आप पे इफेक्ट कर रहा है, वहां कितना दिन तक सलामत रहेगा एक बच्चे को, जिस बच्चे को हाथ से लिखना पढ़ना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में वो मोबाइल को सामने से ऐसे रख के अपना सारा कुछ कर रहा है, वीडियो गेम वगैरह खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके आंख पे इफेक्ट कर रहा है, उसका आंख कितना दिन तक सलामत रहेगा सर, तब तो बात वही हो जाएगी सर, वो बूढ़ा होने से पहले वो अंधा हो जाएगा, फिर आप अपने स्किल को डेवलप करते रहिए, क्या हो जाएगा उससे उसको। सर जी आप जो है केवल आपके अंदर केवल निगेटिव भरा हुआ है, सिंपल अगर सिंपल आप सोच ले कि जब केवल वही चीज केवल रहेगा है कि नहीं, आप भी अगर सोचते हैं कि नहीं आज हम फूसे के घर बनाएंगे तो बनाइए ना, ये आपका प्रॉब्लम है कि नहीं, आज क्यों कांच के लोग घर बना रहे हैं, आप क्यों दादी जाते हैं, आज क्यों आप चाह रहे हैं कि ऑपरेशन हम करा रहे हैं, आज क्यों। सर जी समय बदलना है, बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदलेंगे तो आप भी वही रहेंगे
जहां से और पीछे चल जाएंगे। आप सिंपल मान लीजिए, आज अगर हम सर कहीं भी जाते हैं, जितनी आसानी से हम हर चीज कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे स्किलफुल हो रहे हैं, हम स्किलफुल हो रहे हैं। तो जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, कुछ चीज उनके लिए भी त्याग करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। जैसे अगर सर हम जमीन लिखाते हैं तो हम मरते हैं तो लेके नहीं जाते हैं, हम उनके नाम से जोड़ के जाते हैं, क्यों? उनके लिए लाभदायक नहीं है। तो सर जो चीज हो रही है, हमें लगता है कि अभी के लिए थोड़ा देरी के लिए नुकसान है, लेकिन आने वाले के लिए बहुत सारे फायदे हैं। मैं मानता हूँ सर, आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये हो भी रहा है, लेकिन सही चीज अगर सही डायरेक्शन में चले तब तो, सही चीज का सही गैजेट्स का लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें तब तो,